नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सावन के पहले दिन से हुआ श्रावणी मेले का शुभारंभ। इस मामले में पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है बिहार। इस जिले में बनेगा बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक संस्थान। दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार सरकार का अहम निर्देश। आज जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सावन के पहले दिन से हुआ श्रावणी मेले का शुभारंभ। आज सावन महीने का पहला दिन है। कोरोना महामारी के बीच दो साल बाद एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2022 शुरू हो रहा है। शिव भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे पर अलग ही चमक है। राज्य के सभी छोटे बड़े शिवालयों में आज बोलबम के नारों के साथ लोगों ने भगवान भोले की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर के अजगविनाथ धाम में कांवड़ियों की भारी भीड़ जमा हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगविनाथ मंदिर में स्थापित मनोकामना शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में जलाभिषेक का अलग ही महत्व है। यही कारण है कि देश विदेश से श्रद्धालु सावन मास में सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा में जल लेकर पहले अजगविनाथ की मनोकामना शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उसके बाद 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं। इस दिन से बिहार में बारिश के आसार रोपनी के लिए तैयार हो जाए किसान। बिहार में बारिश के अकाल के बीच किसान सहित राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बारिश के चलते बिहार में किसान रोपनी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इसके लिए तैयार होने की जरूरत है क्योंकि बिहार में बारिश का सहयोग बन रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिन की बारिश में किसान रोपनी का कार्य संपन्न कर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 19 जुलाई से सक्रिय होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसके प्रभाव से अगले हफ्ते में 19 जुलाई से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। 19 जुलाई 23 जुलाई के बीच किसान रोपनी कर ले। वर्षा की कमी के कारण राज्य के अधिकतर जिलों में सूखे का संकट की स्थिति बनी हुई है। वशिष्ठ नारायण सिंह की सेहत में आ रहा है सुधार। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें कल एयर एम्बुलेंस से पटना से उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। वहीं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत से जुड़ी ताजा अपडेट में सामने आया है कि उनकी तबीयत में सुधार आया है। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उनके तबीयत का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया था। इस जिले में बनेगा बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक संस्थान। बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक संस्थान भागलपुर में खुलेगा। इसकी घोषणा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने की। बीते दिन उद्योग मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक खोलने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सिल्क इंस्टीट्यूट की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर AICTE से मान्यता मिल गई है। टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक में युवाओं को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रिंटिंग आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। विद्यार्थियों को इसके लिए डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। यही नहीं, सूत मिल की 8 एकड़ भूमि पर सीपेट का व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र सह छात्रावास भवन बन रहा है। इसके भवन निर्माण पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री रमई राम ने आज ली अंतिम सांस। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम ने 81 साल की उम्र में आज अंतिम सांस ली। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी। रमई राम ने पटना के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार रमई राम काफी दिनों से बीमार थे। मालूम हो कि रमई राम बुचहा से 9 बार विधायक रह चुके हैं। रमई राम बुचहा से 3 बार RJD, 1 बार जदयू, 2 बार जनता दल समेत 3 बार दूसरे अन्य दलों से चुनाव जीत चुके हैं। रमई राम RJD के बड़े नेता में माने जाते थे। 1990 से 2015 तक बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। सीमांचल में इस मक्खी को लेकर अलर्ट जारी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को नैरोबी मक्खी का कहर सताने लगा है। आपको बता दें कि प्रदेश के सीमांचल इलाकों में नैरोबी मक्खी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यह मक्खी काफी खतरनाक होती है। शरीर पर बैठने मात्र से इसके बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि नैरोबी मक्खी शरीर के किसी भी अंग पर बैठकर घाव बना सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर नैरोबी मक्खी शरीर के किसी अंग पर बैठ जाती
आती है तो उसे धीरे से हटाना चाहिए। उसे मसलने पर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर फिर भी कोई इससे प्रभावित हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से सिट्राजीन आदि दवा खा सकते हैं और घाव वाले जगह पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि इसकी जानकारी से लोग पैनिक ना हो और ना ही जानकारी के अभाव में इसे हल्के में लें। मक्खियों वाले जगह पर जाने से बचें और साफ सफाई का ख्याल रखें। इस मामले में पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर बिहार। यूडाइस से यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिहार मैट्रिक स्तर के ICSE बोर्ड के स्कूलों की संख्या के मामले में देश भर में दूसरे पायदान पर है। बिहार में मैट्रिक स्तर पर ICSE बोर्ड के स्कूलों की संख्या कुल 68 है, वहीं UP इस मामले में पहले पायदान पर है। यहाँ स्कूलों की संख्या 95 है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ICSE के उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल 12 है। इसमें बिहार पूरे देश में 10वें स्थान पर है। स्कूली शिक्षा के जानकारों के मुताबिक माध्यमिक की तुलना में उच्च माध्यमिक स्तर के ICSE स्कूलों की संख्या कम होने की वजह बच्चों की संख्या में कमी होना है। उत्तर प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के ICSE स्कूलों की संख्या 218 है। दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार सरकार का अहम निर्देश। बिहार सरकार ने एक सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने बिना अनुमति के दूसरी शादी करने वाले कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार की बिना अनुमति के पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी सरकारी सेवक के सेवा काल के दौरान जान चली जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे। वहीं अगर दूसरी पत्नी के बच्चे को अनुकंपा का लाभ दिलाना है तो दूसरी पत्नी और उनके बच्चे को लाभ तभी मिलेगा जब पहले पत्नी की ओर से अनापत्ति या शपथ पत्र दिया जाएगा। वहीं शपथ पत्र की जांच के बाद ही लाभ मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। BPSSC ने दारोगा और सार्जेंट पद पर बहाली के लिए रिजल्ट की घोषणा। BPSSC दारोगा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। BPSSC यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व DGP सुनीत कुमार ने बताया कि दारोगा के लिए 1998 एवं सार्जेंट के 215 पदों पर नियुक्ति की गई है। इसमें 35% आरक्षण के अतिरिक्त सीटों पर भी महिलाओं ने सफलता हासिल की है। वहीं 35% आरक्षण के तहत दारोगा में 683 एवं सार्जेंट में 76 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, लेकिन इसमें दारोगा के 742 एवं सार्जेंट के लिए 84 महिलाओं ने सफलता अर्जित की है। विस्तृत जानकारी के लिए आप BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अवध से मिथिला की दूरी अब चंद वर्षों में होगी कम। अब अवध और मिथिला के लोगों की दूरी चंद वर्षों में कम हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में राम जानकी मार्ग का 4-लेन चौड़ाई में निर्माण होगा। पहले चरण में सिवान से मशरक तक की सड़क को 4-लेन बनाने के लिए निर्माण एजेंसी के चयन के लिए NHAI ने टेंडर निकाल दिया है, जिसकी लंबाई करीब 240 किलोमीटर होगी। इस चरण में करीब 50 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन सड़क बनाने की अनुमानित लागत करीब 1,027 करोड़ रुपये है। हालांकि अभी बरसात है तो ऐसे में इसका निर्माण कार्य बाधित हो सकता है। ऐसे में इसका निर्माण कार्य बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। वहीं इसे 2024 में पूरा होने की संभावना है। वहीं दूसरे पैकेज में मशरक से चकिया तक कुल 48 किलोमीटर और तीसरे पैकेज में चकिया से भिट्ठा मोड़ तक कुल 103 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन में विकसित करने के लिए DPR बन रही है। प्रधानमंत्री के आगमन पर पटना को दहलाने की साजिश रही नाकाम। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर एक बार फिर से राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान पटना में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार PM की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यही वजह है कि 2014 में नाकाम रहे अपराधी इस बार भी नाकाम रहे। वो अपने मनसूबों को अंजाम देते इससे पहले एजेंसियों ने साजिश का पता लगा लिया। आपको बता दें कि 2014 जैसी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में फुलवाड़ी से गिरफ्तार अतहर परवेज और जलालुद्दीन को बीते देर शाम बेउर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस इनके पाकिस्तान सहित कई देशों से तार जुड़े होने की जांच भी कर रही है। अब डिजिटल नक्शे में देख पाएंगे कहां है कौन सी सुविधा। इस बार सावन महीने में शिव भक्त को भगवान शिव के दर्शन के लिए जाने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि इस बार रास्ता सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी आपके फोन में ही होगी। एक क्लिक पर कांवड़ यात्रा ऐप के जरिए मिल सकेगी। यही नहीं, पर्यटन विभाग
विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए एक तरह से कांवड़िया पथ का डिजिटल नक्शा भी तैयार कर दिया है। इसमें पूरे कांवड़िया पथ पर टेंट सिटी, धर्मशाला, स्नानागार, शौचालय, पेयजल, सूचना केंद्र, सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर आदि की जानकारी GPS लोकेशन के साथ उपलब्ध है। बस एक क्लिक कर श्रद्धालु यह जानकारी हासिल कर सकेंगे कि कहां और कितनी दूर पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं बीते दिन पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद और प्रधान सचिव संतोष कुमार ने ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार में जोर शोर से चल रही तैयारियां। देशभर में 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे, वहीं 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति भी मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए बीते दिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटी चुनाव या आयोग से प्राप्त करने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना लाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई यानी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मालूम हो कि द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा हो चुका है। गौरतलब है कि मुर्मू को महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सामने लाकर NDA ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी समर्थन हासिल कर लिया है। शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन भी NDA को मिलता दिख रहा है और NDA का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। आज जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जुलाई यानी आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। मालूम हो कि पहले वनडे में इंग्लैंड की पूरी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 25.2 ओवर में 110 रन बना सकी। वहीं टीम इंडिया ने 111 रनों के लक्ष्य को बिना विकेट गवाए हासिल कर लिया। इस मुकाबले को जीतने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच नाबाद 114 रन की साझेदारी हुई। वहीं इंग्लैंड बनाम इंडिया दूसरा वनडे मुकाबला आज शाम 5:30 बजे से खेला जाना है। कोरोना ने तोड़ा पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में 19% का उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 20,139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,36,89,000 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 28 लोगों ने COVID-19 की वजह से जान गंवाई है। अब तक कुल 5,25,557 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,36,076 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,482 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। देश में कोरोना के ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,30,28,356 हो गई है। आपको बताते चले कि पिछले 5 महीनों में कोरोना के इतने मामले नहीं आए थे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोहम्मद नौशाद, सिद्धार्थ मौर्य, जितेंद्र ठाकुर, कुमार कौशल सिंह, इंद्रभूषण रवि, कविता कुमारी, उमेश ऋषिदेव, नुन्दू कुमार और सुचित आर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज सावन के पहले दिन क्या आपके क्षेत्र में भी शिव भक्तों की चहल पहल देखने को मिल रही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।